और लोकसभा चुनाव चरम पर है, तो वहीं इन दिनों नेताओं की नौटंकी भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर लोकसभा सीट की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी जीत का आशीर्वाद लेने भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्तन गुरु की शरण में चले गए, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी भी पीछे नहीं रहे। लालवानी यहां चौकीदार की चाय पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। भारत में नौटंकी का इतिहास बहुत पुराना है, उतनी ही पुरानी राजनीति भी। ये दोनों विधाएं एक दूसरे में इतनी घुल मिल गई हैं कि पता ही नहीं चलता कि देश में कहां राजनीति हो रही है और कहां नौटंकी। जी हां, ऐसा ही कुछ नजारा प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में देखने को मिला, जहां नेता जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। इन तस्वीरों में चाय बनाने वाले ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी हैं, जो चाय की मिठास से जनता का दिल जीतने की जुगत में जुट गए हैं। वही बीते दिनों भाजपा के सत्तन गुरु ताई के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे थे, लेकिन अब इन तस्वीरों में सत्तन गुरु अपनी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंकज संघवी को चुनावी आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंकज संघवी पार्टी की विचारधारा की सरहदों को लांघते हुए सत्तन गुरु की शरण में विजयी भव का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति के गुरु सत्तन दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि प्रत्याशी भले ही किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन जीत का आशीर्वाद लेने गुरु सत्तन की शरण ही आना होता है। प्रदेश की सबसे चर्चित इंदौर सीट और भोपाल में देखने को मिल रहा है, जहां नेताओं की बयानबाजियों से लेकर उनके सियासी स्टंट खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बहरहाल ये जो पब्लिक है सब जानती है, ये जो पब्लिक है अब ये पब्लिक किस पर अपना विश्वास दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।